नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में निकाय चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, जो सियासी माहौल है वो भी लगातार गर्माता जा रहा है, क्योंकि 4 मई को लखनऊ में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो उससे पहले जो तमाम पार्टी के दिग्गज नेता है, जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी है, वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही साथ जनता से ये दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर जनता ने उनको अपना पूर्ण समर्थन दिया तो वो उनके क्षेत्र का विकास करेंगे, साथ ही अपने क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र के तौर पर विकसित करेंगे। तो यही वजह है कि तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंच रहे हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो और या बसपा ही क्यों ना हो, जो सभी प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी पेश करते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो वही जब हमारी टीम बख्शी का तालाब पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात राकेश कुमार, जो कि बसपा से चेयरमैन प्रत्याशी हैं, उनसे मुलाकात हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अगर जीतते हैं तो वो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। तो वहीं सीधे बख्शी का तालाब से बसपा के चेयरमैन प्रत्याशी राकेश कुमार के साथ ही उनके प्रतिनिधि अनीश गौतम भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले तो आप दोनों का ही प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, निकाय चुनाव की तारीख काफी नजदीक है और अब चुनाव प्रचार थमने ही वाला है, तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए प्रचार के लिए आपकी रणनीति क्या है? रणनीति में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, तो अपना प्यार और सहयोग मांग रहे हैं, सबसे प्यार और सहयोग अपना मांग रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि जनता के बीच में हमको चुनकर भेजें और जनता की सेवा करने का मौका दें। ठीक है, तो अनीश गौतम जी आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनीश जी, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जी नमस्कार मैम, जनता के बीच में तो मैम हमारे जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष के अंतर्गत जो भी नगर पंचायत में आते हैं कार्य, जैसे कि हो गया सड़क, हो गई बिजली, हो गया पानी, हो गया और गाँव में जलभराव हो जाता है, तो जलभराव की समस्या मैम काफ़ी रहती है, तो जलभराव की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। और जर्जर रोडें हैं जो विद्यालयों तक जाती हैं, तो रोडें काफ़ी ख़राब हैं, जिससे काफ़ी हादसे भी हुए हमारे नगर पंचायत में, तो उन रोडों को दुरुस्त कराने का काम करेंगे, उनको बेहतर रोड, अच्छा रोड बनाया जाए। बाकी नाली की व्यवस्था, पानी निकासी के लिए, और बहुत से ऐसे हमारे यहाँ वार्डों में कॉलोनियाँ, प्लाटेड कॉलोनियाँ बसी हैं और बस्ती ऐसी बहुत सी जहाँ पे अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा पोल लगवा कर बिजली पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है राकेश जी, क्या ये आपका पहला चुनाव है या आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? जी, ये मेरा नगर पंचायत अध्यक्ष का पहला चुनाव है। ठीक है, तो बसपा ने आप पर भरोसा जताया है, तो ऐसे में आपको ये टिकट मिली है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता सहयोग भी कर रही है, काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों में कोई काम हुए नहीं थे जनता के बीच में। जैसे कि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं शिक्षा पर लेकर के कार्य, शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करेंगे, और जो गाँव में सड़कें हैं नहीं बनी हुई हैं उनको पक्का कराने का कार्य करेंगे। नाली जल भराव गांव में बहुत समस्या है, पहले जो है कि गांव के बाहर तालाब थे लेकिन बस्तियां बढ़ गई तो वो गाँव के अंदर हो गए, जिनको पानी निकलने का कोई प्रयास अभी तक किसी चेयरमैन ने नहीं किया है। दो चेयरमैन हमारे वहाँ रह चुके हैं दो पार्टियों से, लेकिन किसी ने नहीं किया उसका, उस पानी के निकासी के लिए, जिससे गांव की समस्याओं को, गांव में कोई बीमारी ना फैले, मच्छर जैसे बहुत सारी लगते हैं गाँव में, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उस तालाब का पानी निकालने के लिए नाले की व्यवस्था नाला बनवाएंगे और स्वास्थ्य सुविधा भी गांव में प्रत्येक हफ्ते में एक चिकित्सा केंद्र के लोगों को बुला करके गांव में बुजुर्ग लोगों को या जिनको जरूरत होगी चिकित्सा की, प्रत्येक हफ्ते में कैंप लगा के कार्य कराएंगे। और शिक्षा के स्तर पर जो अपने बच्चे हैं, जिनकी कुछ घरों में बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, प्रत्येक वार्डों में हम निशुल्क सेवा, कोचिंग सेवा चलाने का प्रयास करेंगे। नगर पंचायत वार्ड में जितने भी वार्ड हैं, प्रत्येक नगर पंचायत में एक शिक्षा स्तर पे एक अभियान चलाएंगे,
जिसमें हम प्रत्येक बच्चों को जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन प्रत्येक वार्डों में निःशुल्क शिक्षा कोचिंग चलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है राकेश जी, आपका ये जो आपने अभी जो एक खाका बताया कि जब आप जीतेंगे तो आप किस तरीके से काम करेंगे, बहुत ही सराहनीय था। लेकिन अब मेरा सवाल अनीश गौतम जी से है कि अगर राकेश जी को जनता का पूर्ण समर्थन मिलता है तो वो सबसे पहले दो काम कौन से होंगे जो आप करेंगे? सबसे पहले तो मैं बीकेटी के जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अभी भी करता हूँ, जीतने के बाद भी हमारे बड़े भाई राकेश गौतम जी को जो जनता चुनाव जिता रही है और जो बीकेटी से इतना प्यार और सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी से बड़े भाई हमारे राकेश कुमार गौतम जी प्रत्याशी हैं, जो इनका जनता का प्यार मिला उसके लिए इस बीकेटी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैम काम के मामले में तो सबसे पहले नगर पंचायत के अंतर्गत जो कार्य आते हैं, जो छूटे मुख्य समस्या जो रहती है, क्योंकि बारिश भी आने वाली है, अभी जून के महीने के बाद बारिश आ जाएगी, तो जलभराव की समस्या काफ़ी गांवों में रहती है। बीकेटी नगर पंचायत बीकेटी में बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पे बारिश के टाइम रास्ते बेकार हो जाते हैं, जलभराव हो जाता है, जिससे बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं और काफ़ी सारे हादसे भी हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी डंपर ट्रक ट्रैक्टर ट्राली ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो कई बार बच्चे स्कूल के हादसे का भी शिकार हुए हैं। एक नगर पंचायत में बहुत मुख्य कारण है कि आज तक रास्ते अभी वैसे की वैसे जर्जर पड़े हुए हैं। और मैम दूसरा काम हमारा रहेगा कि जो बच्चे गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिनकी शिक्षा पे, नगर पंचायत की तरफ से हम एक कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे। उन वार्डों 19 वार्ड नगर पंचायत में आते हैं, नगर पंचायत में 19 वार्डों में एक कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि हमारे जो बीकेटी में युवा बेरोजगार हमारी बहन भाई हैं उनको भी रोजगार मिल सके और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कोचिंग के माध्यम से कराएंगे। ठीक है राकेश जी, जब आपके बारे में मुझे जानकारी मिल रही थी तो मैंने ये देखा कि बतौर समाज सेवी भी आपने एक अच्छी पहचान बनाई है, तो समाज सेवा छोड़ करके राजनीति में आना या समाज सेवा करते करते राजनीति में आने का निर्णय आखिर आपने कब लिया? कुछ चीजें हैं, बगैर राजनीति में आकर के बगैर राजनीति में आए कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है जी, उसके लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है। जैसे कि गांव की समस्याएं, शिक्षा पर कार्य और स्वास्थ्य पे कार्य, क्योंकि हम अपने आप से नहीं कर सकते, वो जो चेयरमैन अंतर्गत आता होगा, जो जिस पद का है उस अंतर्गत जो आता वही तो करेगा। इसलिए हमको ये हुआ कि यदि हम चुनकर के क्षेत्र के चुनाव लड़ें और यदि जीत के आते हैं तो शिक्षा से संबंधित सर्वप्रथम मेरा मुद्दा मेन रहेगा, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और बिजली, सड़क, रोड, पानी अपने क्षेत्र में सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करा, जिसपे इस समस्या से ना परेशान होना पड़े। ठीक है राकेश जी, तो आप बसपा से कितने समय से जुड़े हैं या बसपा से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैम जब से हम जानने वाले 18 साल से ऊपर हुए, वोट देने का अधिकार मिला है, तब से हम बसपा में ही हैं और बसपा के वो ही वोट करते हैं। और 2007 से बूथ कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, हमारा छोटा भाई अनीश गौतम प्रेजेंट टाइम में सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से, और हम लोग बहन जी के कार्यों को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। पिछले सरकार में जो बहन जी के कार्य हुए हैं उन्हीं को, सरकार के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हीं बहन जी के कार्यों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, जिस उसी का प्यार और समर्थन जनता को हमको मिल रहा है। और यदि हम चुनाव जीत कर आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता को, नगर पंचायत की, और हम वो सारे वादे पूरे करेंगे जो हम नगर पंचायत में लोगों के बीच में जा कर के कर रहे हैं। ठीक है राकेश जी, आप एक लंबे समय से बसपा के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आप सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर भी काम किया और कई अहम जिम्मेदारी भी पार्टी ने आपको दी है, तो ऐसे में आपका जो राजनीतिक करियर रहा है वो कैसा रहा है? राजनीतिक करियर हमारा ठीक ही रहा, काफ़ी लोगों से भी संपर्क रहा है, पार्टी के सभी लोगों से, जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हमने समय दिया है जनता के बीच में। आप 2-3-4 सालों का रिकॉर्ड उठा लीजिए, जैसे जब से निकाय चुनाव के पहले भी विधानसभा चुनाव हुए, आप बराबर हम लोगों ने मेहनत की है जनता के बीच में, बराबर बने रहे हम दोनों भाई, बराबर अपनी नगर पंचायत जनता को, और ये आशा एक उम्मीद है कि नगर पंचायत जनता यदि मौका दे दी तो इसी तरह निरंतर बराबर हम बने रहेंगे जनता के बीच में, जो उनको सुविधाएं नगर पंचायत के अंतर्गत आती हैं सारी जन सुविधाओं को उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि अनीश गौतम जी कहीं ना कहीं आप दोनों ही भाइयों को जनता से खासी उम्मीद है कि जनता का पूरा समर्थन आपको मिलेगा, तो ऐसे में आप प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कुछ अपील करेंगे जनता से?
टीवी को मैं जनता से यही अपील अपनी जनता की क्षेत्र की जनता से करूंगा। टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जैसे आप लोग आए और हमें लाइव प्रस्तुत जनता के बीच में हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। और लंबे समय से मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, वकील भी हूँ, तो जनता से हमारा लगाव भी रहा है। और बीकेटी जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नगर पंचायत बीकेटी अध्यक्ष पद पर यदि हमारे बड़े भाई राकेश कुमार गौतम जी चुनकर आते हैं तो बीकेटी की जनता को, प्रत्येक हमारे भाई बहन माता दादी चाची को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी सुविधाएं नगर पंचायत से दी जा सकती हैं वो सारी सुविधाएं जनता को नगर पंचायत के द्वारा दी जाएंगी। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है, पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, सभी का सम्मान करती है, सभी को साथ में लेकर चलती है, जातिवादी की राजनीति नहीं करती है। तो यदि देवतुल जनता से हम बीकेटी की जनता से अपील करना चाहेंगे हमारे बड़े भाई राकेश कुमार गौतम जी को बहुजन समाज पार्टी से, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी हैं, इनको चेयरमैन बना के बीकेटी नगर पंचायत का चेयरमैन बनाए और बीकेटी का विकास कराए। ठीक है, जय भीम जय भारत। बिल्कुल जी। राकेश जी बतौर प्रत्याशी आप चुनावी मैदान में हैं। जी राकेश जी बतौर प्रत्याशी आप चुनावी मैदान में हैं और जाहिर सी बात है कि आप जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे होंगे, लेकिन अब आप प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे जनता से? जी, प्राइम टीवी चैनल को सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जनता से एक यही नगर पंचायत वासियों को सबको अपील करते हैं कि 4 तारीख में अधिक से अधिक लोग निकले जनता के बीच में और मतदान केंद्रों पर और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और विजयी बनाएं। बिल्कुल धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से बख्शी के तालाब के चेयरमैन प्रत्याशी बसपा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जनता को उन्हें समर्थन मिलता है तो वो हर एक क्षेत्र में बराबरी से काम करेंगे, फिर चाहे वो सफाई हो, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो और चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना ही क्यों ना हो। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिस पर दोनों ही भाई मिलकर काम करेंगे। तो आपने देखा कि नगर संग्राम में लगातार जो हमारी टीम है वो हर एक वार्ड में पहुंच है, हर एक वार्ड के प्रत्याशियों से मुखातिब भी हो रही है और वार्ड की जनता से रूबरू होते हुए वहां की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही है। तो इसी बीच हमारी टीम जब बख्शी का तालाब पहुंची तो वहां बसपा से जो प्रत्याशी थे उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने जनता से जनाधार भी मांगा और यह भी भरोसा दिलाया कि अगर जनता उन पर पूर्ण विश्वास करती है तो वो जनता का विकास करेंगे। फिलहाल हमारे खास पेशकश नगर संग्राम में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।